हाय शार्क्स, मेरा नाम है विनीत। हेलो शार्क्स, मेरा नाम है दर्शील। हाय शार्क्स, माझं नाव आहे गीता पाटील आणि मी मला एवढ्या आज मोठ्या मंचावर मला खूप 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 आनंद झाला आहे। आराम से बोला बोला। हां मला सगळं कळतंय तुम्ही काय सांगताय, बोला तुम्ही, मग त्यांना मी ट्रान्सलेट करून सांगणार। हाय शख्स, मुझे खाना बनाने का और सबको खिला के बिगाड़ने का पहले से शौक था। बहुत अच्छे, तो इसीलिए प्यार से लोग मुझे काकी काकी कह के बुलाते हैं। और मेरे शौक से ही मैंने घर से ही छोटा सा स्नैक्स का बिजनेस शुरू किया था, सिर्फ 5,000 रुपए से। फिर 2020 में मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे मेरा बिजनेस और बड़ा करना चाहिए। तो फिर मैंने मेरे बेटे से बोला कि चल मेरे लिए ऊट और मेरे लिए वेबसाइट बना दे। तो फिर उसने भी मान लिया और एक ही रात में पूरा वेबसाइट बना दिया और यहाँ से हमारी पाटिल काकी की शुरुआत हो गई। पाटिल काकी कैसा ब्रांड है जो होम स्टाइल नमकीन केटर करता है, जैसे चकली, चिवड़ा, मोदक, पूरनपोली और कई और तरह के लड्डू जो घर की याद दिलाते हैं। तो शार्क्स, मार्केट में करंटली दो टाइप के स्नैक्स अवेलेबल है, लोकल एंड ब्रांडेड। लोकल सेलर्स लो क्वालिटी रॉ मटेरियल्स यूज करके बनाते हैं, हाइजीन का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता। ऑन दी अदर हैंड, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में कई तरह के प्रेजर्वेटिव्स और एडिटिव्स होता है जो लोगों को नहीं पसंद। तो इन्हीं दो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लोगों को ऑफर करने के लिए पाटिल काकी लेकर आया है एक होम स्टाइल हाइजीनिक स्नैक्स, एंड वी सेल दीज प्रोडक्ट्स ऑन आवर वेबसाइट। शार्क्स, आज तक हमने 18,000 कस्टमर्स तक रीच आउट करा है। वाह! एंड हमारा विजन ये है कि ये जो हम होम स्टाइल स्नैक्स बनाते हैं इनको हम पूरे इंडिया तक पहुंचा पाए, और इसी सपने को पूरा करने के लिए हम आज यहाँ आए हैं। और हमारा आस्क है आज के लिए 40 लाख फॉर 2.5% ऑफ इक्विटी। गणपति हो या दिवाली, खुशियां बांटेगी पाटिल काकी। आपका नाम एक बार फिर से बता दीजिए। मैंने विनीत, मैं काकी का बेटा। काकी का बेटा? मेरा नाम है दर्शील, आई एम विनीत्स फ्रेंड। अच्छा, मैं सोचा छोटे बेटे हो। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा, तो वो लावारिस था तो हमने उसको ले लिया। आप क्या करते थे विनीत जी जब मम्मी ने कहा अरे बेटा उठ उठ वेबसाइट बना, वेबसाइट बना। एक आपको एक ओवरव्यू बता देता हूं हमारी एक्चुअल स्टोरी का, ठीक है? तो स्टोरी कहीं कहीं 2016 से स्टार्ट होती है, ठीक है, जहां पे दो चीजें हुई। फर्स्टली, मेरी मॉम ने ये बनाना चालू करा स्नैक्स, एट द सेम टाइम मैंने अपने स्कूल से ड्रॉप आउट करा था। अरे, कौन सी क्लास में थे जब ड्रॉप किया? मैंने SSC कंप्लीट करा एंड आई थिंक कॉलेज 2 महीना गया रहूंगा मैक्स। क्यों ड्रॉप कर दिया कॉलेज? सो मैंने 8th से ही मैंने कोड वगैरह करना स्टार्ट किया था, 9th से मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट करी थी, तो 11th तक मेरे पास अच्छे खासे क्लाइंट्स थे और मंथली सर्वाइवल के पैसे वहीं से बन जाते थे। वाओ! उसके बाद में मैंने और दर्शील ने मिलकर हमने पहले सोचा था कि हम एडटेक कंपनी चालू करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली तब हम उतने मैच्योर बिल्कुल भी नहीं थे, तो हमने वीडियोस तो रिकॉर्ड करी थी जो बिल्कुल भी एडिट करने के लायक नहीं थी। फिर उसके बाद दर्शील ने और मैंने साथ में एक IT सर्विस कंपनी चालू करी, जो हम एक अच्छे खासे स्केल तक लेके गए जहाँ से हमने पैसे भी बनाए। बट आफ्टर अ पॉइंट फिर हमें ये रियलाइज हुआ कि इसको स्केलेबल बनाना है तो हमें प्रोडक्ट बेस्ड में जाना था, तो इसलिए फिर मैंने एक मैट्रेस कंपनी ज्वाइन करी थी उसके बाद, विच वॉज अ D2C मैट्रेस ब्रांड, जहाँ पे मैंने परफॉर्मेंस मार्केटिंग सीखी, मैंने लॉजिस्टिक्स सीखा, मुझे ये पता चला कि मतलब एक्चुअल में पैसे कमाए कैसे जाते हैं ये बिजनेस में और इसको स्केल अप कैसे किया जाता है। आफ्टर स्पेंडिंग 2 ईयर्स ओवर देयर, फिर हम लोग वापस प्रोडक्ट के लिए ढूंढने लगे और प्रोडक्ट हमें फिर फाइनली घर पे ही मिला। दुनिया भर में तलाश कर रहे थे प्रोडक्ट, बैठा है घर में। वाह! आज काय बनवलं नाश्ता? मस्त सुगंध येतोय। कांदा पोळी बनवते। संध्याकाळी काय करणार आहे तुम्ही डब्याला? मला पुरणपोळी आणि मोदक करून द्याल। आता पोह्यानंतर मोदक बनवणार आहे। में जब मेरे मिस्टर की जॉब छूट गई थी, वो टाइम से घर खर्चा चलाना ये वो सब प्रॉब्लम आ रही थी, तो हम लोग ने बोला अभी खाना इतना हम लोग अच्छा बनाते हैं, सबको पसंद भी आता था, तो फिर हम लोग ने BMC ऑफिस में नाश्ते से शुरुआत की। पहले तो
ज्यादा छोड़ते भी नहीं थे अंदर, लेकिन बाद में क्या हुआ उनको पसंद आने लगा। सब डिपार्टमेंट वालों ने हम लोग को, फिर वो वार्ड ऑफिसर को एक लेटर लिख के दिया था, फिर हम लोग को परमिशन दिया आने का। लॉकडाउन हुआ तो अभी बोले अभी फिर से प्रॉब्लम चालू हो गया, अभी क्या करेंगे। तो फिर मैंने चकली चिवड़ा ऐसा स्नैक्स बनाना शुरू कर दिया, थोड़ा थोड़ा करके 10 15 20 ऐसे ऑर्डर आने चालू हो गए, काफी पसंद आ रहा है लोगों को। इतना तो हम लोग उसके ऊपर से मालूम पड़ा लॉकडाउन में हम लोग ने पाटिल काकी की शुरुआत की। काकी के साथ में 2019 से काम कर रही हूँ और पुरणपोली मोदक सब उन्हीं से ही सिखाए। फटाफट कराए लवकर लवकर बाहर ऑर्डर थाम ना। उसका शेप बराबर आना चाहिए, साइड में सब डिजाइन अच्छे से दिखना चाहिए। काकी रहेंगे तो मतलब एक सपोर्ट रहता है माँ के जैसा, माँ है कुछ कुछ गलती हो जाए तो संभालने के लिए। प्रश्न ये था कि अभी जो आपका बिजनेस है ये सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित है कि आपको एक पैन इंडिया लेके जाने की एक ड्रीम है आपकी? नहीं नहीं, मुझे तो हर सिटीज में या हर सब जगह जाना है। वाह वाह वाह। तो हमारे बाकी कहीं प्रोडक्ट्स हैं जो काफी अच्छे हैं टेस्ट वाइज भी एंड जो जिस तरीके से वो बनते हैं, तो हमें पाटिल काकी का जो कॉन्सेप्ट है उसको हमें नेशनल लेवल तक ले जाना। बट आई डोंट एग्री विद यू। I don't agree with them. With them? Yeah. उसको खाना खाना है इसलिए। आप कह रहे हो टेस्टी है टेस्टी है, हम बिना खाए तो नहीं बता सकते ना कि कैसा है। चलो अभी अभी आते खाने में आते हैं। ये मोमोज जैसा लग रहा नहीं? नहीं वो मोदक है, मोदक महाराष्ट्रियन चिवड़ा। ये राइस का आटा होता है और अंदर कोकोनट एंड गुड़ होता है, बहुत यम्मी होता है। अरे डिजर्ट है। इसमें कितनी कैलोरीज है? बहुत कम है, खा ले, घर का बना हुआ ऑलमोस्ट स्टीम्ड है यार। ये बहुत अच्छा है, उगड़ी जा मोदक मैं बता रही हूँ मतलब। ये ले मेरा भी खा, तू दे दे इसको, दे दे इसको। हाँ दे 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 प्लीज, दे दे खुल जाए, तू भी दे दे। अच्छा है ये। चकली भी घर पे बनाए? बाजनी ची चकली, अलग अलग इसके दाल रहते हैं। बेस्ट सेलिंग क्या है? बेस्ट सेलिंग मोदक। लेकिन मोदक का जो शेल्फ लाइफ होता है हाँ, तो बहुत कम होता है। जैसे कि बनाया आपने बताया सुबह सुबह बनाया, फ्रेश वो अच्छा टेस्ट होता है, वो क्या सोचा है आपने? ये जो दो प्रोडक्ट्स हैं मोदक एंड पुरणपोली, दिस इज अ क्लाउड किचन प्रोडक्ट एंड जो बाकी हमारे पोर्टफोलियो में प्रोडक्ट्स हैं दोज आर स्केलेबल। जो बाकी लोग नमकीन का बिजनेस करते हैं जैसे बड़े प्लेयर्स हो गए, चाहे वो लेज हो गया या हल्दीराम हो गया या बीकानेर हो गया, तो ये होम स्टाइल नहीं होता। और ये होम स्टाइल होता है तो होम स्टाइल का डेफिनेशन क्या हुआ? मोदक बाहर हर जगह मिलते हैं ठीक है, बट जो टेस्ट है या उसका जो लेयर मेंटेन करना इज अ टास्क ठीक है। तो इसका प्रॉब्लम है बिकॉज अगर तुम मोदक मोल्ड से बनाओ ठीक है तो वो बहुत जल्दी बन जाता है, बट अगर तुम्हें उसका लेयर थिन रखना है तो तुम्हें उसको हाथ से बनाना पड़ता है ठीक है। सो दिस इज द इशू, सेम गोज विद अदर प्रोडक्ट्स एज वेल। सो इट इज कि हमें जो हमारी रेसिपीज है हमें मशीन्स के अकॉर्डिंग, हमें रेसिपीज नहीं चेंज करनी, हमें रेसिपीज के अकॉर्डिंग हमें मशीन्स लानी है। तो आप ये हाथ से बनाते हैं सब कुछ या मशीन्स पे? नहीं नहीं सब हम हाथ से ही बनाते हैं। सो अभी के लिए द प्रोसेस इज सेमी ऑटोमेटेड। आपकी थोड़ी थोड़ी पैकेजिंग देख लें, पैकेजिंग देख लें। दर्शील आप भी ड्रॉप आउट हो क्या स्कूल से? दर्शील को हमने 14 में ड्रॉप आउट करवा दिया। 14 मतलब 1 ईयर बिफोर ग्रेजुएशन। बढ़िया है। बिल्कुल किसी ने हाथों से प्यार से मम्मी वाला खाना बनाया।
ये आपने खुद किया है, ये मार्केटिंग और ब्रांडिंग खुद किया है? अमेज्ड हूं मैं कि आपने ये पैकेजिंग खुद ही बना लिया। हाँ नहीं, मतलब हमने खुद नहीं बनाई है, एक फ्रेंड फ्रीलांसर है उन्हीं से बनवाया। यार कमाल ही यार, ये तो ये बड़े बड़े एजेंसीज 50-50 लाख रुपए ले लेते तो भी इतना बढ़िया पैकेजिंग नहीं बनाते। आप लोगों को कैसा लग रहा है अभी कि ये बिजनेस में करना क्या, मतलब क्या मोटिवेशन है आपकी? अभी के प्रोडक्ट्स वी फील मतलब काफी ज्यादा कमर्शलाइज्ड है, तो हम एक जो होमली फीलिंग है उसी को हम एक बड़े लेवल तक लेके जाना चाहते हैं। जैसे कि ट्रस्ट फैक्टर काफी स्ट्रॉन्ग है, बट वो ट्रस्ट फैक्टर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा जब वो मशीनें आ जाएंगी ना। नहीं बट टेस्ट एंड वो तो सेम ही रहा है। एफएमसीजी ब्रांड में दो ही तो डिफरेंशिएटर्स है, एक है ब्रांड नेम और दूसरा है टेस्ट। करेक्ट। आप दोनों ने पढ़ाई वढ़ाई करी नहीं है, इतनी अच्छी बात है कैसे कर लेते? लेकिन एफएमसीजी में एक तीसरी भी तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी आप बात नहीं कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी जो आप बेच रहे हो वो पूरा के पूरा आपकी वेबसाइट से बेच रहे हो? यस। तो आप उसे ऑफलाइन स्टोर्स में भी लेके जाएंगे? यस। तो कुछ काम शुरू हुआ है वहाँ? ये जो भी अभी पैकेजिंग है ये इट इज सिंपल। जब हम मैप और नाइट्रोजन फ्लशिंग इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये जो 25-30 डेज की शेल्फ लाइफ है वो बढ़ के 2-2.5 मंथ्स हो जाएगी। वाओ, काफी बड़ी सोच है। मोदक्स में भी जैसे यू मेंशनड दैट वो एक ही दिन रहता है प्रोडक्ट, तो मोदक एंड मोमोस का जो स्ट्रक्चरल ये है वो काफी सिमिलर है, तो उसको भी हम डीप फ्रीज करके अगर हमें सप्लाई चेन उसका क्रिएट करना है इट इज पॉसिबल। आपने फंड रेज भी किया होगा? हाँ। जो हमने पहले हमारे मेंटोर्स के साथ एक छोटा क्लोज एसोसिएट्स राउंड किया था 7.5 लाख एट 10 करोड़ वैल्यूएशन, एंड अभी 2 मंथ्स पहले हमने एक राउंड करा है जहां पे 29 लाख हमने रेस करा। ये किसने किया? एंजल्स? प्राइवेट एंजल्स। यस। कितने? 10 करोड़ वैल्यूएशन में। वाओ। अब ईएसपी कितना है? 650। और कितने का बनाते हो? 25% लगभग लग जाता है रॉ मटेरियल, 5% पैकेजिंग पे लग जाता है, 15% एडिशनल डिलीवरी में जाता है, 55% ग्रॉस मार्जिन्स है, एंड मार्केटिंग इज एडिशनल 30%, बट वो वेरी करता है। तो बेसिकली 25% पर प्रोडक्ट बचता है आपका। तो आपकी टोटल सेल कितनी है? सेल के बारे में पिछले साल के नंबर्स बताओ। पिछले साल हमने 1.4 करोड़ का रेवेन्यू करा। वेरी गुड। और इस साल? ये साल हमने 1 करोड़ ऑलरेडी क्रॉस करा है, 1.02 करोड़। कितने साल कितना कर लोगे? करीब करीब 3 करोड़। भाई ये कितने कमाल की बात है, इनकी उम्र क्या है? 21 साल। कितना? 21। दोनों सेम है और एक ही क्लास के है वो दोनों। हे भगवान, ये मतलब सच में नए भारत के उभरते चेहरे हैं। मतलब ये उम्र में तो कोई सोच ही नहीं थी कि हम ऐसा काम कर सकते हैं। 2 साल भी पूरे हुए नहीं और 2 21 साल के लड़के आज, मतलब उस टाइम 19 साल के थे। आपकी मदद करके आपने 3 करोड़ का धंधा बना लिया है और जगह जगह हमारे देश में ऐसी अपॉर्चुनिटीज है, खाली काम करने वाला चाहिए। डेफिनेटली सच में कम, और आप जैसी माता चाहिए। ये पूरा का पूरा 3 करोड़ लोकल है। हाँ। मंथली बर्न कितना है? सो मंथली जो बर्न है मैं आपको लास्ट 3 महीने के फिगर्स बताता हूँ, ठीक है? इन द मंथ ऑफ जून हमने अराउंड 1,08,000 नेट लॉस करा। इन द मंथ ऑफ जुलाई हमने 2 लाख रुपीज का नेट लॉस करा। इन द मंथ ऑफ अगस्त हमने 6.5 लाख रुपीज का नेट प्रॉफिट करा। वेरी गुड। चल ठीक है विनीत, बहुत सुन लिया मैं, देखो ना एक ऑफर दो। शार्क से क्या चाहते हैं? चीजें करना और चीजें स्केल पे करना इज अलग। अब जैसे हमारे एक एडवाइजर है अभिजीत, ठीक है, वो हमें आगे की प्रॉब्लम्स के बारे में एक आइडिया बता देते हैं पहले से, ठीक है, कि यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस, ठीक है, एंड सेकंड इज की मतलब पैसे तो चाहिए थोड़े। चलिए आज आपकी किस्मत बदलते हैं, 40 लाख फॉर 4%। आपने ऑफर दिया? यस। और तुम्हारा ऑफर? मेरा तो बात ही नहीं करने थे, शरीफ शार्क हूं। अरे आप बोल रहे थे ऑफर करोगे तो क्वेश्चन पूछ लिया ना आपने।
अमन आपको बताना है ऑफर, आप लोग खत्म कर लो पहले फिर। मुझे आप लोग बहुत पसंद हो तो मैं बोल देती हूँ ऑफर। आई यू नो आई अनुपम्स ऑफर इज लॉट बेटर, बट मैं आपको देने वाली थी 40 लाख फॉर 10% विच इज 4 करोड़ की वैल्यूएशन, विच इज मोर इन लाइन विद जो लॉजिकल वैल्यूएशन होती है। आपको मिल गई है ज्यादा पे, पर आपने बहुत छोटा अमाउंट रेज किया है, तो मैं आपको दे रही हूँ ये ऑफर। मैं चाहता हूँ पहले अमन बोलने, बेचारों को मौका नहीं दे रहा है। मैं मैंने ना लास्ट सीजन में 2 कंपनियों में उनमें इन्वेस्ट किया था। केरला चेस जब हम आए थे ना तो 20 लाख पे था, पता है कितने पे? गेस कर नंबर ले। प्रोबेबली अराउंड 1.5-2 करोड़। 2 करोड़ इन 1 ईयर। लेट्स ट्राई, 10 लाख पे था 1 करोड़। खाली आपको कॉन्टैक्ट्स की जरूरत होती है, आप लोग अपने आप फोड़ लोगे। D2C आता है, मार्केट प्लेस में चलते हैं और इसको फोड़ते हैं। तो मेरी ऑफर आपके लिए है 40 लाख फॉर 5% व्हिच इज 8 करोड़ वैल्यूएशन। थैंक यू, थैंक यू फॉर द ऑफर, थैंक यू सो मच फॉर दैट। ठीक है, मैं अपना डिसीजन बना चुकी हूं। तो एक तो आई लव योर एनर्जी, और ये जो आपका एक बैलेंस है बिटवीन एक्सपीरियंस एंड एनर्जी ऑफ यूथ, इट्स फैंटास्टिक। लेकिन इसमें आपका बिगेस्ट चैलेंज है स्केल, और आई थिंक इसमें अमन ने बड़े ब्रांड्स बनाए हैं, सेम विद द अदर्स, तो दे विल बी एबल टू हेल्प यू अ लॉट मोर, एंड उसके वजह से आई एम आउट। क्या लग रहा है पीयूष? मैं जुड़ना चाहूंगा ऑफर में। मेरे हिसाब से 4% इज अ फेयर वैल्यूएशन। आई एम हैप्पी टू जॉइन फोर्सेस। सो वही 40 लाख पर 4%। एक बात बताऊं आपको, ये टफ कैटेगरी है, बस खाली पैसे में जो है वो आप पे लगा रहा हूं, बिकॉज मेरे हिसाब से यू वुड बी वन ऑफ द बेस्ट एंटरप्रेन्योर्स। पाटिल काकी डिसीजन बताएंगी। सारे जाना पाइजे था माला, फिर तो डील बदलेगी। नहीं, मैं नहीं हूँ इन द 4-5% रेंज। नहीं, चेंज को 10% चाहिए ना। आप तीनों हो, बिकॉज़ तीनों भी है तो डील बदलेगी। नहीं, मेरे को नहीं करनी चारों के साथ, मैं अकेले करना चाहता हूँ। लास्ट एक ऑफर और देखो, देखो। अच्छा, न्यू ऑफर, काउंटर ऑफर। 40 लाख और 4%, बट एज अ सिंगल शॉट। तो आपके पास सेम वैल्यूएशन के 2 ऑफर्स हैं, एक में पीयूष और अनुपम 40 लाख फॉर 4% 10 करोड़ वैल्यूएशन, और एक में अमन अकेले आएंगे 40 लाख फॉर 4%। मेरे को लगता है आपकी ब्रांडिंग अच्छी है, राइट, स्टोरी टेलिंग भी अच्छी है, पर ये 50 लाख 1 करोड़ की सेल के बाद कैटेगरी में सैचुरेशन आ गया। मेरा इंटरेस्ट वहीं पे रहेगा कि मैन्युफैक्चरिंग में कैसे इसको ऐसा स्केल कर लिया जाए कि कोई टच ही ना कर पाए। मैन्युफैक्चरिंग हमने शुरू करी है। मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट अ बिग थिंग, मतलब मुश्किल होती है लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती। और जो मैंने आपको इन दोनों चिप्स वालों को बताया है, क्योंकि आप लोगों को अपना बिजनेस आता है, मेरे को अपना बिजनेस आता है, मैं खाली आपको गाइड कर सकता हूँ, और आपने देखा है मैंने गाइड सही करा जो वो वहां पहुंचे। वो कॉम्पिटिशन है भाई आपके लिए। कॉम्पिटिशन नहीं है, वो बनाना चिप्स थोड़ी बनाते हैं वो। मैंने 1, 2, 3, 4, 5 कंपनीज में इन्वेस्ट किया, फर्स्ट चेक, जो अपनी अपनी इंडस्ट्री में राजा है, राइट, दे हैव क्रिएटेड वैल्यू हजारों करोड़, नॉट 1 करोड़ और 2 करोड़। आपको डिसाइड करना है अभी के लिए कि आपको क्या चाहिए। अरे बहुत मुश्किल डिसीजन है। स्टफ अगर अमन आते हैं करेक्ट तो वो इतनी सारी स्केलेबिलिटी ऐड अप कर देंगे। हां मतलब यार वो तो फॉर श्योर है, क्लोज इन दोनों को लेंगे। मैं तो जा रहा हूं 2 शार्क के 2 ऑलवेज बट वन शॉट। नहीं नहीं ठीक है, द लास्ट क्यू यार, तुमने बना लिया अपना ब्रांड मार्केटिंग का, तो शायद तुमको ले लेंगे। पीयूष और अनुपम, हम आपके साथ जाना चाहते हैं। अरे अमन को हम ले आएंगे यार, थोड़ा सा बनाना। कांग्रेचुलेशन, पहले मैं इन्हीं को दे काकी।